Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to discuss about the cardiovascular system and its effects. Cardio actually jo hai cardiovascular system, it is comprised of two words. It consists of two words. Isme do words jo hai, do lafz hai jinki jo meaning hai wo different hai. Cardio actually means the heart. Cardio ka matlab kya hota hai? हार्ट. ठीक है, कार्डियोवेस्क्यूलर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ टू वर्ड्स. कार्डियो मीन्स हार्ट, और जो वेस्क्यूलर है, वेस्क्यूलर को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स. आई एम डिस्कसिंग हियर विद यू द कार्डियोवेस्क्यूलर सिस्टम. इट कंप्राइजेस ऑफ टू वर्ड्स. कार्डियो मीन्स हार्ट एंड वेस्क्यूलर मीन्स व्हाट? वेस्क्यूलर मीन्स द ब्लड वेसल्स. ओके, सो अगेन आई हैव रिटन हियर मेनली द कार्डियोवेस्क्यूलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ हार्ट एंड ब्लड vessels. What is the function of heart and what will be the function of blood vessels? It has different function. Heart has a different function and blood vessels have different function. Heart jo hota hai, iski ek pumping action hoti hai. Iski kya hoti hai? Pumping action hoti hai. Jo ye pumping action hoti hai, iski wajah se kya hota hai? Iski wajah se constant circulation possible ho sakti hai. Kya ho sakti hai? कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो होती है, दैट मीन्स कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मुमकिन होती है बिकॉज ऑफ द हार्ट. इफ आवर हार्ट पंप्स, देन देयर विल बी द कॉन्स्टेंट और कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ व्हाट? ब्लड. ठीक है, जो हार्ट हमारा होता है, जो हमारा दिल होता है, उसकी मेन फंक्शन, उसकी मेन काम क्या होता है? उसका मेन काम ये होता है कि कंटिन्यूअसली सप्लाई करना. क्या सप्लाई करना? ब्लड सप्लाई करना, सर्कुलेट करना ब्लड. उसकी मेन फंक्शन है पंप करना ब्लड, पंपिंग एक्शन, ताकि वो सर्कुलेट हो जाए थ्रू आउट द बॉडी. क्या हो जाए? थ्रू आउट द बॉडी वो सर्कुलेट हो जाए. तो ये किसकी फंक्शन है? ये हार्ट की फंक्शन है, जिसको हम पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं. ये फिर कहलाता है पंपिंग ऑर्गन. बिकॉज ऑफ विच एक्शन? बिकॉज ऑफ विच प्रोसेस? बिकॉज ऑफ द पंपिंग एक्शन इट इज नोन एज पंपिंग ऑर्गन. ओके, एज इट एंश्योर्स द कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. इफ एनी बॉडी विल आस्क यू व्हाई इज इट कॉल्ड द पंपिंग ऑर्गन, व्हाई इट हैज द पंपिंग एक्शन, बिकॉज इट एंश्योर्स द कॉन्टिन्यूअस और कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ओके, अनदर थिंग इज व्हाट इज ब्लड वेसल? What are blood vessels? Blood vessels क्या होती है? Blood vessels are actually, these are the network, these are the lengthy networks. क्या होते हैं ये? Networks होते हैं, जाल होता है. ठीक है, जिस जहां से क्या फ्लो होता है? ब्लड फ्लो होता है. क्या फ्लो होता है? ब्लड फ्लो होता है. ब्लड वेसल्स की डेफिनेशन ये है कि ये एक नेटवर्क होता है, जहां से क्या फ्लो होना होता है? ब्लड को फ्लो होना होता है. सो आई हैव रिटन हियर ब्लड वेसल्स विच फॉर्म ए लेंथी नेटवर्क. क्या फॉर्म करता है ये? लेंथी नेटवर्क, जहां से क्या फ्लो होना होता है? ब्लड फ्लो होना होता है. ठीक है, विच फॉर्म ए लेंथी नेटवर्क थ्रू विच व्हाट फ्लोज? द ब्लड इज फ्लोड. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. अनदर थिंग इज, जो हमारा हार्ट होता है, ये पंपिंग ऑर्गन है, ये एनाटोमिकली सेपरेट दो सिस्टम्स के थ्रू सेपरेट होता है. दैट मीन्स द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू टू एनाटॉमिकल सेपरेट सिस्टम्स. दो अलग अलग निजाम जो ब्लड वेसल्स के होते हैं एनाटॉमिकली, तो उनसे ये क्या करता है? फ्लो करता है ब्लड का, या पंप करवाता है ब्लड का. ठीक है, मैंने लिखा है द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू टू एनाटॉमिकल सेपरेट. सेपरेट मीन्स अलग अलग सिस्टम. सिस्टम्स हो गए निजाम ऑफ ब्लड वेसल्स. फर्स्ट वन इज विच सिस्टम? वन इज द पल्मोनरी सिस्टम एंड अनदर इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो देयर ऑकर्स द टू सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ द हार्ट. व्हेन द हार्ट पंप्स द ब्लड, इट पंप्स द ब्लड इनटू टू एनाटॉमिकली सेपरेट सिस्टम्स. नंबर वन इज विच? नंबर वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड नंबर सेकेंड इज सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो देयर विल बी द टू सर्कुलेशन इन द
इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेनली देयर विल बी द टू, वन इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, अनदर इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू व्हाट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, व्हाट इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन. अब मुझे बात करनी है सिस्टमिक और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है इनके दरमियान क्या डिफरेंस हो सकती है, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल. एक्चुअली जो राइट साइड ऑफ हार्ट होता है ये पंप करता है ब्लड, क्या करता है ब्लड पंप करता है. आई एम डिस्कसिंग हियर नंबर फर्स्ट इज व्हाट, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, जो हमारा राइट साइड होता है, दाहिना साइड होता है किसका, हार्ट का. ठीक है, राइट साइड ऑफ द हार्ट जो होता है वो पंप करता है ब्लड, वो पंप करता है ब्लड टू द लंग्स, कहां की ओर, जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वहां तक वो पहुंचाता है ब्लड को. ठीक है, जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन ये कहलाता है. क्या कहलाता है ये, पल्मोनरी सर्कुलेशन. जो राइट साइड होता है हमारे हार्ट का वो पंप करता है ब्लड टू द लंग्स, फेफड़ों की ओर, जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. जहां पे एक्चुअली क्या होता है, वायर गैसेस एक्सचेंज ऑकर्स. वायर व्हाट हैपन्स, गैस एक्सचेंज होना होता है. जहां पे गैस एक्सचेंज होना होता है तो वहां पे क्या हो जाती है एक्चुअली, वहां पे इसको क्या ये मैकेनिज्म पूरा कहलाता है, ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन. दैट इज एक्चुअली जो ब्लड होता है, ब्लड क्या करता है, वो कलेक्ट करता है O2, ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है. कहां से इस O2 को कलेक्ट करता है, फ्रॉम द एयर सैक्स. जो हमारे पास एयर सैक्स होते हैं वहां से ये क्या करता है, ब्लड कलेक्ट ऑक्सीजन. ओके, और जो एक्सेस में होगा, क्या एक्सेस में होगा, क्या इंक्रीज में होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको ये डिफ्यूज कर लेता है, उसकी कंसंट्रेशन को ये क्या करता है, इक्विलाइज करता है इनटू द, कहां की ओर इसको फेंकेगा, इनटू द ईयर सैक्स. कहां की ओर, ईयर सैक्स, मगर किस चीज के लिए, फॉर एक्सहेलेशन, फॉर द प्रोसेस ऑफ व्हाट, फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन. ओके, आई एम डिस्कसिंग हियर विद यू व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, जो हमारा राइट साइड होता है हार्ट का वो पंप करता है ब्लड कहां की ओर, वो कहां की ओर ब्लड को पंप करवाता है, लंग्स की ओर, दैट मीन्स फेफड़ों की ओर, जिस तो ये क्या कहलाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन. वहां पे एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज हो जाता है. ठीक है, वहां पे जब गैसेस एक्सचेंज हो जाता है दैट मीन्स जो ब्लड होता है वो कलेक्ट करता है ऑक्सीजन कहां से, ईयर सैक्स से, और जो एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है उसको वो डिफ्यूज कर लेता है, बाहर कर लेता है, बाहर फेंक लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस. ठीक है, फॉर एक्सहेलेशन, फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन और फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन के लिए इसको ये बाहर कर लेता है. नाउ द अनदर सर्कुलेशन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, दैट इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन. व्हाट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, डज यू नो अबाउट व्हाट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन. As the word indicates, जो word होता है word से ही आपको पता चलता है कि पूरे system में क्या हो जाता है, पूरे system में क्या हो जाती है, circulation हो जाती है. किस चीज की circulation, blood की circulation होती है. That means जो यहाँ पे left वाला side होगा, किस चीज का, जो left वाला side है heart का, the left side of the heart does what, does which work, does द पंप्स ब्लड, वो पंप कर लेता है ब्लड कहां की ओर, कहां वो फेंक लेता है ब्लड, इन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए विच सप्लाइज, जहां से सप्लाई हो जाता है जो भी रेस्ट ऑफ द बॉडी होगी, जो भी रेस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स होंगे वहां तक क्या हो जाता है, वहां तक ब्लड पहुंच पाता है. दैट मीन्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है, इसके लिए जो लेफ्ट वाला साइड होगा, बाएं वाला साइड होगा, ठीक है, वो वाला साइड दिल का क्या होगा,
वो पंप करेगा ब्लड सिस्टम में सर्कुलेशन में, दैट मीन्स दैट विल बी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, सिस्टम में सर्कुलेशन में कौन सा ब्लड चला जाता है ऑक्सीजनेटेड।